सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा और एग्जाम प्लेस पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। करंट अफेयर्स की हमारी इस सीरीज में आज हम 3 सितंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, जेल प्रहरी, स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑल एग्जाम प्लेस पर मात्र 1000 रुपए की फीस देकर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, रिसेंटली बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर, आप सभी जानते हैं इन्हें, इन्होंने जो है अपने बच्चों यश और रोही से प्रेरित होकर द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव टाइटल से एक बुक लिखी है। इस बुक को जजरनॉट बुक द्वारा पब्लिश किया जाएगा। दोस्तों, ये पुस्तक जुड़वा बच्चों की कहानी पर आधारित है जिसमें उनकी परवरिश के दौरान माता और पिता को आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया गया है और ये इनकी खुद की ही लाइफ से जो है इंस्पायर्ड है ये बुक जो है। करण जौहर जो है दोस्तों, इसके पहले एन अनसुटेबल बॉय टाइटल से अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिख चुके हैं। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है, द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है सी, करण जौहर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, रिसेंटली आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के उपाध्यक्ष अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या पीटीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये पंजाब केसरी अखबार समूह के संपादक विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेने वाले हैं। अविक सरकार दोस्तों जो हैं, ये भारतीय पेंगुइन बुक्स पेंगुइन इंडिया के संस्थापक और संपादक रह चुके हैं। 2003 में स्टार न्यूज़ द्वारा खरीदारी जो कि एबीपी समूह द्वारा की गई थी, इसमें भी अविक सरकार की जो है बहुत बड़ी भूमिका रही थी। पीटीआई की बात करें दोस्तों, तो देश की सबसे नामी न्यूज एजेंसी है ये। 27 अगस्त 1947 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की नींव रखी गई थी। 1949 से पीटीआई ने जो है अपना काम करना शुरू किया था। इसका मुख्यालय जो है आपको नई दिल्ली में मिलेगा। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है ए, अविक सरकार को। हमारा अगला प्रश्न है, सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, रिसेंटली केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है हमारी, इनके द्वारा प्रमोद चंद्र मोदी जो कि वर्तमान में सीबीडीटी के केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड जो है इसके अध्यक्ष हैं, इनके कार्यकाल को जो है अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और इसीलिए जो है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है चर्चा में आया हुआ है। दोस्तों, प्रमोद चंद्र मोदी जी की बात करें तो ये 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और फरवरी 2019 में सीबीडीटी का प्रमुख इन्हें नियुक्त किया गया था। सीबीडीटी या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे हिंदी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कहा जाता है, इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो वर्ष 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के माध्यम से हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसके अधीन दो संस्थानों का गठन किया गया था जिसमें एक थी सीबीडीटी और दूसरी थी सीबीईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जिसे हिंदी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड भी कहा जाता है। सीबीडीटी या डायरेक्ट टैक्सेस या प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियां बनाती है, साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सहायता से टैक्स रिलेटेड जो कानून होते हैं, जो लॉ होते हैं, उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करती है। वहीं सीबीईसी की बात करें दोस्तों, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स नारकोटिक्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है ये नोबल एजेंसी है। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है, सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है। तो ये है डी, प्रमोद चंद्र मोदी जी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। दोस्तों, सीएफआई जो है ये वर्ष 2021 में पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। ये
सम्मेलन जो होगा दोस्तों, ये एक दिवसीय शिखर सम्मेलन होगा 2021 में दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में ये समिट जो है इसका आयोजन किया जाएगा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी जो है नई दिल्ली में है। और परमिंदर सिंह ढींगरा जी जो हैं, ये साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है, वर्ष 2021 के साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस संस्था के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी BCFI, जिसे कहते हैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है कि सुमित नागल जी का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? दोस्तों, रिसेंटली विश्व रैंकिंग में 124वें पायदान पर मौजूद भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल जो हैं, इन्होंने अपने पूरे करियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में पहुंचे हैं। इन्होंने 1 घंटे से भी अधिक समय तक चले मुकाबले में ब्रैडली क्लान को शिकस्त दी और 7 साल बाद ये पहला मौका है जब किसी भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन का कोई मैच जीता हो। 2013 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन ने जो है ये उपलब्धि हासिल की थी। ग्रैंड स्लैम की बात करें दोस्तों, तो अगर आप वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया से चलिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जाइए, ऑस्ट्रेलिया से आप चले जाइए फ्रांस, फ्रांस से जाइए ब्रिटेन और ब्रिटेन से चले जाइए US। तो ये होता है ग्रैंड स्लैम का क्रम और हर 3 महीने में जो है ये आयोजित किए जाते हैं, 3-3 महीने के भीतर में। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो 1905 से शुरू हुए थे ये। फ्रेंच ओपन की बात करें तो 1891 से शुरू हुए थे ये। कई बार परीक्षाओं में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि रोलैंड गैरोस जो होता है इस नाम से किस ग्रैंड स्लैम को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है फ्रेंच ओपन को, इसे भी आप याद रखिएगा। विंबलडन की बात करें तो ये 1877 से प्रारंभ हुए थे। US ओपन की बात करें तो 1881 से US ओपन जो है ये प्रारंभ हुए थे। सबसे पुराना विंबलडन है, इसे आप याद रखिएगा, इसका ईयर याद रखिएगा कि 1877 से ये प्रारंभ हुए थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो US ओपन है दोस्तों, ये हार्ड कोर कोर्ट में खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन जो होता है ये मिट्टी में खेला जाता है। विंबलडन की बात करें तो ये घास में खेला जाता है। ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, जो हमेशा ही हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सारे फैक्ट्स को जो है हमें याद रखना है। अगर आपने अच्छे से नहीं सुना हो तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके सुन लें, या फिर अगर चाहें आप तो कहीं पर नोट करके भी लिख सकते हैं। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है, सुमित नागल का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? तो इनका संबंध है टेनिस से। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा पर गए हैं? दोस्तों, हमारे जो भारतीय रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, ये 3 दिवसीय रूस की यात्रा पर हैं और शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों का बैठक का आयोजन जो है ये इस वर्ष रूस में किया जा रहा है और इसी में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं ये मॉस्को पहुँचे हैं। दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक अंतर सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। SCO के अगर मोटिव की बात करें, SCO के उद्देश्य की बात करें, तो जो देश होते हैं इसमें शामिल, इनसे संबंधित जो क्षेत्र होते हैं वहां पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना जो है सदस्य देशों का कार्य होता है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। शंघाई जो है ये चीन का एक शहर है। रूसी और चीनी भाषा जो है ये SCO की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 2001 में SCO की स्थापना से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजिकिस्तान जो है ये शंघाई 5 या शंघाई 5 नामक संगठन के नाम से जाने जाते थे। भारत और पाकिस्तान जो हैं दोस्तों, ये वर्ष 2017 में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने। भारत कब शामिल हुआ, इसका ईयर हमें याद रखना है कि भारत जो है ये 2017 में शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ, तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान जो हैं ये इसके 8 सदस्य देश हैं। तो ये था शंघाई सहयोग संगठन का इतिहास। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो हैं ये किस देश की यात्रा पर गए हुए हैं? तो ये गए हैं रूस की यात्रा पर। सो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी करंट अफेयर्स की ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
दोस्तों आप जो हैं अपने कीमती सुझाव हमें भेजते रहिए, आपके जो सुझाव होते हैं उनसे हमें एक ऊर्जा मिलती है और अच्छा कंटेंट बनाने में जो है हमें प्रमोशन मिलता है। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखिए, हमसे जो है जुड़े रहिए। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।